इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के हिंदी में संचयन का चैप्टर टोपी शुक्ला। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बढ़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। लेकिन इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ कैसे फल आ रहे हैं। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफ़न की परछाई है, ना इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं हैं तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। यह इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला में ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला नजफ, खुराकसान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर
पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका भी जरूर उतरवाती। इफन की दादी भी इफन की दादी भी नमाज रोज की रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो। पूर्वी की थी, पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था, बेचारी दिल महसूस कर रह गई। माँ इफन की छठी पर उन्होंने भी भरकर जश्न मना लिया। जब यह थी कि इफन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखें बगैर इफन की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। इफन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडी में असामियों के यहां से आया करती थी। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी मौलवीन बन जाना पड़ता। अपने मियां से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ी गई, बोली, ए बेटा जौन तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कंस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफन की दादी को भी अपना घर याद आया। इस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने
अपने घर से अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हें की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला ना करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के अच्छा फातमैन में दफन की गई, क्योंकि तुरतुजा मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफन स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफन की दादी बीबी कही जाती थी। इफन तब चौथी में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत ही था, परंतु दादी से वह ज्यादा प्यार किया था। अम्मी तो कभी कभी डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू अनाज अनार परी 12 बुर्ज अमीर हमजा हमजा गुलब कावली हाथी मताई पंच फूलला फुल्ला फुल्ला पंच फुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरदिगार आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लियो लग लग गयो। तू अपने अब्बा ही की बोली बोले बात गया खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तऊ बादशाह का किस 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 की तुरंते एक ठौ हिरन मार लियावा। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इप्पन की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी। नफरत जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफन के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इफन के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफन की अम्मा और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता। वह दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती छेड़ती, परंतु जब बात बने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। ते काहे को जात है उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ। वह डांट कर कहती, परंतु वह हर शब्द शक्ति
शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन गया, अमावट बन जाता, लिखवा तिलवा बन जाता, और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है। फिर वह समझ गया कि माता जी को अम्मा कहते हैं, माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीतेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर खाता था। लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भरता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। रामदुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भरता भुरता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आँखें थी वो टोपी के चेहरे पर गई, जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, पराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज? टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है माँ। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गरजी, ई हम इफन से सीखा है। इसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। तय उस कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर ली हले बाय करे। रामदुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुरंत तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी रामदुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसे वक्त खाने की मेज से उठ गई और रामदुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तय फिर जयबे ओकरा घरे। हाँ, अरे तोहरा माँ, तोहरा हाँ मैं लुकार आई आगे, लुकारा आगे माटी मिलऊ। रामदुलार मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफन के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव
उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देख खा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, कबाब राम राम राम। राम दुलारी घिना के 2 कदम पीछे हट गई, टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक करने। इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफन सिवा के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कब खाते देख रही हो ना देख रहा हो, ओह ओह दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया, सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ई झूठा है दादी, टोपी ने कहा। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।